हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसीटी स्कोरर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओपन ऑफिस के संदर्भ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हाल में ही अभी जो रिलीज़ हुई है नोटिफिकेशन पीईबी में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, तो उसमें कई सारे ट्रेड्स के लिए वैकेंसी आने की उम्मीद है, जिसमें से कि कोपा के लिए हम आपके लिए तैयारी करवाएंगे। तो कोपा में जो सिलेबस है, तो प्रथम हम प्रेफरेंस दिए हैं ओपन ऑफिस को पढ़ाने के लिए, तो ओपन ऑफिस के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कोपा के सिलेबस से हमने उठाया हुआ है ओपन ऑफिस, तो ओपन ऑफिस के बारे में हम सीखते हैं। फ्रेंड्स, ओपन ऑफिस क्या है कि ओपन ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पहली बात, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि मुफ्त में आपको यूज़ करने के लिए मिलता है। ओके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब जैसे कि ओपन ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रारूपों का भी समर्थन करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है तो ओपन ऑफिस को चलाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका मतलब ये है। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर हम कुछ बताते हैं कंपोनेंट्स के बारे में कि जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंपोनेंट्स हैं। उसी तरह से ओपन ऑफिस के भी कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइटर क्या होता है, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उसको हिंदी में बोलेंगे शब्द संसाधक। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे ओपन ऑफिस में राइटर है। ठीक है, राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन ऑफिस का है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड है, उसी तरह से राइटर है। ओके, और यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम पीडीएफ में फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड में हम पीडीएफ में फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी तरह से हम राइटर में भी डॉक्यूमेंट फाइल को पीडीएफ में भी हम बदल सकते हैं। मतलब कहने का कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल कोई है, ठीक है, राइटर में, तो आप उसको चाहते हैं कि पीडीएफ में हम बदल दें, तो पीडीएफ में भी बदल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर वेब पेज भी बना सकते हैं, यानी कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि इसमें एक फैसिलिटी होती है, कौन सा, WSIWG, ये क्या है, एक फैसिलिटी होती है जिसके माध्यम से आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहला कंपोनेंट आपने क्या कौन सा सीखा ओपन ऑफिस का? राइटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आप यूज़ किए होंगे। इसके बाद है कैल्क, तो कैल्क आपका उसी तरह से है जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लोटस, ये क्या है, ये स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल सॉफ्टवेयर है, उसी तरह से कैल्क यानी कि ओपन ऑफिस का कैल्क सॉफ्टवेयर है। तो कैल्क सॉफ्टवेयर के मदद से भी आप अपने फाइल्स को पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करने का फ़ायदा इसमें मिलता है आपको। इसके बाद है इम्प्रेस, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको इम्प्रेस के बारे में बता देना चाहते हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज अच्छे से किए होंगे, उसी तरह से यहाँ पर ओपन ऑफिस के अंतर्गत इम्प्रेस नाम का यहाँ पर कंपोनेंट है। तो इम्प्रेस ये किसका कंपोनेंट है? ओपन ऑफिस का। इसके मदद से क्या बना सकते हैं? प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ओपन ऑफिस के अंतर्गत कौन है, राइटर है कि कैल है कि इम्प्रेस है। तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में कौन है? राइटर है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम अगर जनरेट करते हैं कि ओपन ऑफिस में स्प्रेडशीट जैसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वो कौन है? कैल्क। ओके, और तीसरा क्वेश्चन अगर हम करते हैं कि ओपन ऑफिस में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किस कंपोनेंट का यूज करेंगे, तो कौन सा है? ये इम्प्रेस सॉफ्टवेयर। किसके अंतर्गत? ओपन ऑफिस के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स,
और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने प्रेजेंटेशन बना लिया है तो आप उसको एडोब फ्लैश फाइल में आप उसको चला सकते हैं, यानी कि फ्लैश प्लेयर अगर इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर में तो आप इम्प्रेस की फाइल को, प्रेजेंटेशन की फाइल को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अब आपने सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एक्सेस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एक्सेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंतर्गत ये क्या है, एक डेटाबेस है। ओके, और डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड इंफॉर्मेशन। हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और डेटाबेस एक बना करके उस डेटाबेस के अंदर कई टेबल्स हो सकती हैं, तो ये क्या है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये किसका कंपोनेंट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। उसी तरह से यहाँ पर जो ओपन ऑफिस है तो ओपन ऑफिस के अंतर्गत डेटाबेस बनाने के लिए आपको बेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बेस के अंतर्गत भी आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आप एसक्यूएल एसक्यूएल क्यूरीज वगैरह चला सकते हैं और ओडीबीसी कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ड्रॉ क्या होता है, ड्रॉ तो ड्रॉ जिस तरह से यहाँ पर आप यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजियो यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जैसा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर यूज़ करते हैं, यानी कि इमेज बनाने के लिए, कोई भी इमेज एडिटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट में, उसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ का यूज़ करेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि, चौथा क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे कि जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत डेटाबेस बनाने के लिए एक्सेस का यूज़ करते हैं, उसी तरह से ओपन ऑफिस में आप किसका यूज करेंगे, तो किसका यूज करेंगे, बेस का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत इमेज बनाने के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का यूज़ करते हैं लाइक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, उसी तरह से ओपन ऑफिस के अंतर्गत आप किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, तो किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, ड्रॉ का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस ड्रॉ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए ओपन ऑफिस के अंतर्गत कंपोनेंट अगला कौन सा है, मैथ्स है, तो मैथ्स का यूज़ होता है कि मैथमेटिकल फार्मूले को एडिटिंग करने के लिए होता है, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन एडिटर होता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन एडिटर में जिस तरह से इक्वेशन को एडिट, मैथमेटिकल इक्वेशन को एडिट करने के काम आता है, उस तरह से ओपन ऑफिस में कौन सा होता है, तो उस तरह से ओपन ऑफिस में मैथ होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा दोनों में अंतर। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपको हम सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई भी एग्ज़ाम हो, हम आपको टीओ की ही बात नहीं कर रहे हैं, ये चाहे सीपीसीटी हो चाहे अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, तो कुछ फाइल्स एक्सटेंशन ज़रूर पूछता है ऑफिस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ओपन ऑफिस दोनों के ही साथ में एक्सटेंशन दिए गए हैं, आप इनको जो है तो बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए ओपन ऑफिस के अंतर्गत जो राइटर होता है, राइटर मतलब कि जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, तो राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, .odt, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .doc होता है, अब याद रखना है यहाँ पे .doc, यहाँ पे देखिए .doc और .docx दोनों होता है, लेकिन दोनों कहाँ होता है, देखिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन 2007 से कम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर 2007 से कम वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .doc होगा, लेकिन अगर 2007 से अधिक वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 2007 या 7 से अधिक, मतलब कि 7 को मिला करके, अगर 2007 से अधिक या 7 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन होगा तो .docx हो जाएगा। ओके, इतना याद आपको रखना है। इसके बाद आपको हम बता दें कि जो टेक्स्ट टेम्पलेट होगा, जो राइटर का टेम्पलेट फाइल होगा, तो वो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .ott टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होगा, किसके अंतर्गत, ओपन ऑफिस के अंतर्गत। फ्रेंड्स, हम ये आपको ये ओपन ऑफिस के बता रहे हैं, ये पूरे क्या है, ये ओपन ऑफिस का एक्सटेंशन है, और इधर के जो आपको दिख रहे हैं ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सटेंशन हैं, ठीक है। अब देखिए
अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेम्पलेट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .dot होता है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं 2007 तो 7 या 7 से अधिक वाला वर्जन तो एक्स जुड़ जाएगा, इतना याद आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद माइक्रो मास्टर डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .dodm, .odm किस में, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे राइटर यानी कि ओपन ऑफिस की राइटर में .odm। और आप अगर ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .doc होगा, मास्टर फाइल जो होगी। इसके बाद स्प्रेडशीट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन ऑफिस के अंतर्गत जो स्प्रेडशीट होता है उसके फाइल का नाम क्या होता है ये भी याद रखना है आपको। तो उसके फाइल का नाम क्या होता है, CALC, कैल्क होता है। लेकिन जो स्प्रेडशीट होता है उसका कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है, द .ods, याद रखना, ओपन डॉक्यूमेंट एस फॉर सीट, स्प्रेडशीट, ये इतना याद रखना है आपको। तो स्प्रेडशीट किसके अंतर्गत, ओपन ऑफिस के अंतर्गत स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और अगर हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, सिंपल सा सबको पता होगा, .xls, अगर 7 या 7 से अधिक वर्जन है तो .xls एक्स हो जाएगा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्प्रेडशीट टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, तो जो जो CAL कैल्क के अंतर्गत OOTS होगा, ओके, और ऑफिस के अंतर्गत .xst होगा, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि ड्राइंग, ड्राइंग के अंतर्गत क्या होगा, .odg, ड्राइंग, लेकिन यहाँ पे ऑफिस में नहीं होता, ठीक है। और ड्राइंग जो टेम्पलेट फाइल होगी तो .otg होगा, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग टेम्पलेट किस में नहीं होता, एमएस ऑफिस में नहीं होता है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है ओपन ऑफिस में, तो ओपन ऑफिस में प्रेजेंटेशन फाइल होगी उसका एक्सटेंशन होगा ODP, ODP, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका एप्लीकेशन फाइल कौन सी होती है, इम्प्रेस होती है, इम्प्रेस नाम से होती है, ठीक है। इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होगा तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .ppt, अगर 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तब उसका एक्सटेंशन हो जाएगा .pptx, ओके, समझ में क्या होगा। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, इम्प्रेस के अंतर्गत .otp, और ऑफिस के अंतर्गत प्रेजेंटेशन टेम्पलेट का क्या होगा, .pot, ओके। इसके बाद फार्मूला, तो फार्मूला किसके अंतर्गत आता है, ये आएगा ओपन ऑफिस के अंतर्गत। और फार्मूला का एप्लीकेशन फाइल होती है जो मैथ होता है, और मैथ का एक्सटेंशन नेम होगा .odf, लेकिन ऑफिस में ये मैथ नहीं होता, मतलब फार्मूला यहाँ पे ऑफिस में नहीं होता इस नाम से। इसके बाद जो ओपन ऑफिस है उसके चार्ट फाइल का एक्सटेंशन होगा .odc, और उसके एप्लीकेशन फाइल का नाम होगा चार्ट, और यहाँ पर एमएस ऑफिस में नहीं होता। इसके बाद एमएस ऑफिस में जो डेटाबेस होता है यानी कि एमएस एक्सेस होता है उसका नाम क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, .mdb, लेकिन अगर आप 2007 या 2007 से अधिक वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब उसका एक्सटेंशन हो जाएगा .accdb, क्या होगा, .accdb, लेकिन ओपन ऑफिस में जो डेटाबेस होगा उसका एक्सटेंशन होगा क्या, .odb, ओके फ्रेंड्स। आई थिंक आपको काफ़ी मज़ा आया होगा एक्सटेंशन नेम पढ़ने में। फ्रेंड्स ऐसे ही अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके, और आप अपने वर्क में, आप अपने एम में अव्वल हो सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।